जो मुकुट एक समय था कि कुछ भी नहीं पहना पाते थे, क्योंकि शिला थी, सपाट थी, आकृति भी थी जी। और आज आपके सामने श्रृंगार हुआ है जो उसकी पौराणिक मान्यता है। अच्छा, तो आप भविष्य बद्री जाते रहते हैं? हाँ, हाँ, तो क्या लगता है आपको, भविष्य बद्री आएंगे है? भविष्य में आएंगे बद्रीनाथ यहाँ? क्यों नहीं आएंगे, आना होगा तो जरूर आएंगे। बिल्कुल। जैसे जैसे ही कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारे जो बद्रीनाथ हैं यहाँ पर स्वयंभू रूप में हमें दर्शन देते जाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ के दर्शन आप भविष्य में नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब पूरी दुनिया में अधर्म फैलेगा और नर और नारायण पर्वत में रुकावटें आने लगेंगी, तब बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तब भगवान विष्णु इस भविष्य मंदिर में निवास करेंगे, जिसका नाम है भविष्य बद्री, जो जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पिन कोड ब्लॉग्स बाय आकांक्षा तिवारी में। दोस्तों, आप पहुंचे हैं हम हमारे भविष्य बद्री, जो है तपोवन से 13.5 किलोमीटर। तो दर्शन करने वाले हैं आज हम हमारे भविष्य बद्री। दोस्तों, हमारे भविष्य बद्री जो है वो हमारे भविष्य के बद्रीनाथ होने वाले हैं। तो आज मैं जो आपको जगह ले जाने वाली हूँ, वहाँ हम बद्रीनाथ के ही दर्शन करेंगे, जो भविष्य में हमारे सामने प्रकट होंगे। भविष्य बद्री में भगवान विष्णु जी के दर्शन होंगे। यह मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीच मौजूद है। हमें कुछ देर ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ हल्की हल्की बर्फ जमी हुई है, देखिए आप, नजारा बेहद खूबसूरत। दोस्तों, यहाँ हम आए हैं जनवरी के पहले हफ्ते में, ठंडा बहुत है, जैसा आप देख रहे हैं बर्फ जमी हुई है, ठंड में आगे बढ़ते हुए। भविष्य बद्री धौली गंगा नदी के ऊपर अज्ञात स्थान पर स्थित है। मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भ्रमण पर थे और अपने निवास के लिए उचित स्थान की तलाश करने लगे। हिमालय में अपनी खोज के दौरान उन्हें यह स्थान पसंद आया और उन्होंने वादा किया कि वह इस स्थान को अपना भविष्य घर बनाएंगे। तब से इस स्थान को भविष्य बद्री कहा जाता है। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम हमारे पंचबद्री श्री बद्री विशाल के दर। भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत में विनाशकारी भूस्खलन से बद्रीनाथ धाम मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भूस्खलन तब होगा जब जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति का दाहिना हाथ गिर जाएगा। उस घटना के बाद बद्रीनाथ सीट भविष्य बद्री में बदल जाएगी। यहाँ के पुजारी जी बताते हैं कि धीरे धीरे मंदिर के एक पत्थर पर भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं की आकृति उभर रही है। हालांकि धीमी प्रक्रिया की वजह से इसे देख पाना हमारे बस की बात नहीं है। की आकृति बन रही है, इसके प्रत्यक्ष जो ये लोग आए हैं ये भी हैं, और आज से आप भी हैं उसके प्रत्यक्ष, क्योंकि आकृति बन रही है और आज से नहीं, केवल दो सालों से बन रही है। जय जगदीश हरे। बद्रीनाथ से पहले नारियाँ आए, पल कहो, क्षण कहो, काल कहो, नारायण यहाँ भुजंग आसन में बैठे हुए हैं, उनसे भुजा है और जो मुकुट है, मुकुट के अंदर आप ध्यान से देखो तो शेषनाग के फन उभर रहे हैं जी। पीछे मुकुट के अंदर जिनके जो फन उभर रहे हैं, जो मुकुट के नीचे अगर चंदन लगा है, चंदन के नीचे दो अंगूर नीचे वहाँ देखो तो आप आंखें उभर रही है, ध्यान से कुछ आंखें दिख रही है, दिख रही है आपको, नाक भी दिख रही है, होंठ भी है, नाक सब कुछ है, जो हार, जो श्रृंगार, जो वस्त्र पहना रखे हैं, जो मुकुट एक समय था कि कुछ भी नहीं पहना पाते थे,
क्योंकि शिला थी, सपाट थी, आकृति ही थी इसी, और आज आपके सामने श्रृंगार हुआ है जो इसकी पौराणिक मान्यता है। बद्री की आदिगुरु शंकराचार्य जो थे हमारे, उन्होंने स्थापना की थी। और ये वो स्वयं है, स्वयंभू है, और आकृति बन रही है वहाँ पे, लेकिन मानव निर्मित, मानव निर्मित वहाँ पे है, वहाँ पे, और ये स्वयंभू है। और वो भविष्य उनकी, उनके केवाट बंद हो जाते हैं 6 महीने, जैसे बद्रीनाथ में खुलते हैं ना, उनके भी खुलते हैं। और यहाँ खुले रहते हैं दिन रात, मतलब दिन कभी भी आओ आप दर्शन के लिए। भगवान बद्री विशाल की ये पावन धरती ना जाने कितने रहस्यों और कितनी अद्भुत कहानियों का अतः सागर है। ना जाने कितनी जनश्रुतियां ऐसी हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि। तो दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए हैं भविष्य बद्री जी के। पंडित जी ने हमें बताया कि वहाँ जो उनकी पत्नी है, और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि उनकी आंखें, उनका नाक, उनका चेहरा अभी बन रहा है, उनकी भुजाएं बन रही हैं, उनके मुकुट पे बन रहे शेषनाग वो धीरे धीरे आ रहे हैं। भविष्य बद्री के दर्शन करने के बाद बढ़ चले हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। दोस्तों, तो हम यहाँ रुके हैं, छोटी सी एक चाय की दुकान है जहाँ पे हमने चाय पीने का डिसाइड किया और खाई थोड़ी सी मूंग दाल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वादियों के नज़ारे इतने प्यारे। जो यहाँ रहते हैं वो कितने किस्मत वाले ना, आप लोगों को तो रोज दिखता होगा ये व्यू। तो कहे उस जगह का नाम है सुभाई। तो अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो इस शॉप पे जरूर रुकिएगा, यहाँ आपको चाय, गरम गरम मैगी और स्नैक्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। और यहाँ से प्रसाद लेना ना भूलें, क्योंकि आप डायरेक्ट ऊपर मंदिर चले जाएंगे तो वहाँ आसपास प्रसाद। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं।